हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोमिता एंड वेलकम टू माय गार्डियन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो के शुरुआत ब्यूटीफुल एलमंडा फ्लावर्स के साथ, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत बीमार थी, आई वॉज वेरी इल, और इसलिए मेरी गार्डन का भी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ प्लांट्स मर भी गए हैं, बट क्या करें, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ मेरे गार्डन की हालत ठीक करने के लिए, और जो बचा खुचा प्लांट्स है उसका भी हालत थोड़ा सुधारने के लिए। ओके, तो आज वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के टॉपिक है एक ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट, जो बहुत ही कॉमन इंडोर प्लांट है, बहुत सारे लोगों के पास ये प्लांट है। इसका नाम है सिंगोनियम, इसको एरोहेडेड प्लांट भी कहा जाता है। इसका बहुत सारे वेराइटीज़ है, लीव्स का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है, एंड सिंगोनियम लीव्स के कारण ही इतना ब्यूटीफुल है। नर्सरी में इजीली अवेलेबल है ये प्लांट, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही चीपेस्ट रेट में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। एंड लीव्स के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से इसका रेट होता है। एंड इट इज़ वेरी इजी टू ग्रो प्लांट। मैं एक छोटा सा प्लांट लगाई थी एंड इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। प्लांट का साइज जितना बढ़ेगा, लिप्स का साइज है आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा। ये प्लांट इंडोर में आप इजीली इसको रख सकते हैं, ग्रोथ भी अच्छा होगा। बट इंडोर में ये प्लांट बेल की तरह ग्रो करने लगेगा, जैसा मनी प्लांट ग्रो करता है ऐसे। अगर ये प्लांट को आप बुशी बनाना चाहते हो तो ऐसी जगह आप ये प्लांट को रखिए जहाँ पे पूरा के पूरा इंडोर या पूरा के पूरा सेट ना मिले, थोड़ा सा इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, आई मीन सूरज का रोशनी जहाँ पे आए, विंडो में या बालकनी में आप इसको रख सकते हैं। पर डायरेक्ट सनलाइट ये प्लांट को एकदम पसंद नहीं है, लिप्स बर्न हो जाएगा, लिप्स का कलर फेड हो जाएगा। ये देखिए, मैं कुछ दिन केयर नहीं कर पाई तो ये प्लांट का जो पॉट है वो धूप में था, डायरेक्ट सनलाइट में था, इसलिए देखिए कुछ लिप्स का पैटर्न एकदम ही फेड हो गया, वाइट हो गया। उसके बाद मैं उठा के फिर से इसको मैं विंडो में रखी जहाँ पे सुबह का सनलाइट, हल्का सनलाइट इसको मिले और पूरा दिन इसको रोशनी मिले सूरज का। उसके वजह से देखिए लिप्स का पैटर्न फिर से कितना अच्छी तरह निखर कर रहा है, अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कुछ दिन अगर हम प्लांट्स को केयर नहीं कर पाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है प्लांट्स पे। और ये प्लांट ग्रो करने के लिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉइल ड्राई हो जाए तब वाटरिंग करें। एक प्रॉब्लम होता है इसमें, वो है लीव्स का कॉर्नर कभी कभी ब्राउन हो जाता है, वो ओवर वाटरिंग की वजह से भी हो सकता गए, अंडर वाटरिंग के वजह से भी हो सकता है। ये देखिए एरियल रूट्स इसमें निकल कर आए हैं। अगर हम यहाँ से कटिंग करेंगे और इसको लगाएंगे तो आपके पास एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इसका प्रोपोगेशन भी बहुत इजीली है, कटिंग से आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। एंड समर में तो इसका ग्रोथ बहुत बढ़िया होता है, लेकिन विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है। एंड आप ऐसी जगह देखिए प्लांट का ग्रोथ आप देख सकते हैं, छोटा सा प्लांट, छोटा सा पॉट, बट बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा आपके अगर विंडो में, बालकनी में या आप इंडोर में भी एक प्लांट को रखेंगे ना, तो एक घर का जो डेकोरेशन है वो बहुत ही सुंदर लगने लगेगा। बहुत ही सुंदर एक प्लांट है ये, मुझे तो बहुत पसंद है इसका। ये तो ग्रीन और वाइट के पैटर्न में है, और रेड कलर के पैटर्न में भी इसका लिप्स आता है, वो भी बहुत ही सुंदर है। तो आप इजीली ये प्लांट को ग्रो कर सकते हैं बिना केयर के, कुछ केयर नहीं है, बस सॉइल ड्राई हो जाए तब वाटरिंग करें, बस इसको लगा दीजिए, और कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास एक सुंदर सा प्लांट तैयार हो जाएगा और आपका घर भी बहुत सुंदर लगेगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय।